हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस कॉलेज रायपुर और साइंस कॉलेज दुर्ग में कंपेयर करेंगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। हो सकता है आपको साइंस कॉलेज रायपुर अच्छा लगता हो सकता है आपको साइंस कॉलेज दुर्ग अच्छा लगता हो, लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा कोर्सेस मिलेगी, इसके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरस साहू। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दे। इस चैनल के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ की कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आप तक जो जानकारी है वो पहुँचाया जाता है और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जाता है। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं साइंस कॉलेज रायपुर और साइंस कॉलेज दुर्ग के बारे में। तो दोनों ही कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसा नहीं है कि साइंस कॉलेज दुर्ग बहुत ही अच्छा है, साइंस कॉलेज दुर्ग रायपुर बहुत ही ख़राब है, या फिर साइंस कॉलेज रायपुर बहुत ही अच्छा है, दुर्ग कॉलेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो दोनों कॉलेज बहुत ही अच्छा है, दोनों कॉलेज में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर के माध्यम से देखेंगे कि कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। तो दोनों ही कॉलेज ऑटोनॉमस है, दोनों ही कॉलेज में पेपर खुद से सेट किया जाता है और खुद ही चेक किया जाता है। तो दोनों कॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और दोनों ही कॉलेज में आपका जो प्रेजेंट है वो 75% मांगा जाता है, क्योंकि आपको कॉलेज रेगुलर जाना है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब बात करते हैं कॉलेज में हॉस्टल के बारे में। तो कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दोनों ही कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी है। रायपुर साइंस कॉलेज में भी आप हॉस्टल में रह सकते हो और दुर्ग के साइंस कॉलेज में भी हॉस्टल की फैसिलिटी है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। तो आप दोनों ही कॉलेज में हॉस्टल में रह सकते हो या फिर आप घर से अप डाउन कर सकते हो या फिर कहीं किराए में रह सकते हो। तो कैंपस की, तो आपको दुर्ग कॉलेज का कैंपस बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आपको रायपुर की जो कैंपस है उससे बड़ा दुर्ग की कैंपस है। NCC, NSS या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों ही कॉलेज में यह फैसिलिटी है, आप रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर NCC वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो साइंस कॉलेज रायपुर में भी बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है और साइंस कॉलेज दुर्ग में भी बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। तो साइंस कॉलेज रायपुर की तुलना में बात करें साइंस कॉलेज दुर्ग की, तो वहाँ आपको बुक का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मिलेगा। यहाँ आपको ज़्यादा कोर्सेस है तो यहाँ ऑफिशियली ज़्यादा आपको बुक का ऑप्शंस मिलेगा। बात करते हैं यहाँ मिलने वाली कोर्सेज के बारे में। तो रायपुर जो साइंस कॉलेज है वहाँ आपको बहुत ही कम कोर्सेज मिलेगी, मतलब आपको साइंस से रिलेटेड ही कोर्सेज मिलेगी। जैसे आपको वहाँ BSc कर सकते हो और BCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। PG प्रोग्राम में आपको MSc में बायोकेमिस्ट्री, टेक बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और जूलॉजी मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ आप PGDCA की पढ़ाई कर सकते हो। वही बात करते हैं दुर्ग साइंस कॉलेज की। तो दुर्ग साइंस कॉलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है और सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। आर्ट्स मिलेगा यहाँ, कॉमर्स मिलेगा यहाँ, साइंस मिलेगा यहाँ, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हो जाता है दुर्ग साइंस कॉलेज में। चलिए बात करते हैं आपको BSc में क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शंस मिलता है BSc में। जी हाँ दोस्तों, BSc में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है। BA की बात करें तो हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी का ऑप्शंस मिलेगा। तो साइंस कॉलेज दुर्ग में आपको ये BA में आपको ऑप्शंस मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं BCom में। तो BCom में आपको BCom कर सकते हो जनरल, या फिर BCom आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो। आपको यहाँ MCom भी मिलेगा तो आप MCom की भी पढ़ाई कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ आपको BCA मिलेगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो साइंस कॉलेज रायपुर में भी BCA और साइंस कॉलेज दुर्ग में भी आपको BCA मिलेगा। यहाँ एक और कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि दुर्ग साइंस कॉलेज में मिलेगा, रायपुर साइंस कॉलेज में आपको यह कोर्स नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ MA की। तो MA में आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी और जियोग्राफी और MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ MSW की कोर्सेज कर सकते हो, जो कि रायपुर कॉलेज में आपको नहीं मिलती है। MSc में बात करते हैं तो MSc में आपको साइंस कॉलेज रायपुर में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलता है। तो यहाँ दो साइंस कॉलेज दुर्ग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। तो यह हुआ कोर्सेज के बारे में। और दुर्ग साइंस कॉलेज में आपको इसके अलावा PGDCA मिलेगा, जो कि साइंस कॉलेज रायपुर में भी है। PGDYP मतलब
पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलोसफी को ऑप्शंस मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो दुर्ग साइंस कॉलेज में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि रायपुर साइंस कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा, वो है यहाँ मिलने वाले पीएचडी के बारे में। पीएचडी में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है दुर्ग साइंस कॉलेज में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और कॉमर्स में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है दुर्ग साइंस कॉलेज में। यह हुआ दुर्ग साइंस कॉलेज और रायपुर साइंस कॉलेज में मिलने वाली जो कोर्सेस है उसके बारे में। और अदर फैसिलिटी दोनों ही कॉलेज में है, दोनों ही कॉलेज में बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई होती है। तो आप कोई भी कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, आपको जिस कॉलेज में जो अच्छा कोर्स मिलता है उसमें जा सकते हो। आपको साइंस कॉलेज रायपुर में थोड़ा सा ऑप्शन कम मिलता है और साइंस कॉलेज दुर्ग में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। सर, यहाँ आपका परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहेगा तभी आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन होगा, क्योंकि दोनों ही कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रायपुर की कॉलेज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, दुर्ग की कॉलेज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे दुर्ग साइंस कॉलेज में चाहे रायपुर साइंस कॉलेज में, तो यहाँ का जो एडमिशन फॉर्म है वो बाकी जो कॉलेजेस का जो एडमिशन फॉर्म आता है उससे पहले आता है। ऑटोनॉमस कॉलेज है तो यहाँ आपका जो फॉर्म है वो जल्दी आएगा। यहाँ का पेपर का सिस्टम भी बाकी कॉलेजेस से अलग है। तो आपको अगर इस कॉलेज में पढ़ाई करनी है, दोनों कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो आपको यहाँ प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ कॉलेज की जो वेबसाइट है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉलेज का फॉर्म कब आता है। ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आता है जिसके थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है, इंस्टाग्राम में भी आपके सवालों का जवाब देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं कि दोनों कॉलेज में कौन से कॉलेज बेस्ट है। तो मुझे जहाँ तक लगा दुर्ग साइंस कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। दुर्ग साइंस कॉलेज में आपको कोर्सेज का ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। फैसिलिटी तो आपको सभी कॉलेजेस में मिल ही जाती है, लेकिन जो ऑप्शंस रहता है कोर्सेज का वो दुर्ग साइंस कॉलेज में ज़्यादा है। और जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं जैसे कॉमर्स वाले या फिर आर्ट्स वाले, तो उनके लिए भी यहाँ इस कॉलेज में कोर्सेज है, तो और जो कि साइंस कॉलेज रायपुर में नहीं है। तो मुझे दुर्ग साइंस कॉलेज ज़्यादा अच्छा लगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि दुर्ग साइंस कॉलेज आपको अच्छा लगता है कि रायपुर की कॉलेज आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करें। चले किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।